फाइनली गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है नए वीडियो के साथ। और आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ रेडमी गो कंट्रोल सेंटर चेंज के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं आपका कंट्रोल सेंटर पहले ऐसा है, अब इसको मैं पूरे 4K क्वालिटी में कर दे रहा हूँ। ठीक है, करने के लिए कुछ करना नहीं है, वीडियो को ध्यान से देखना है और जो जो स्टेप बताऊंगा उसको फॉलो करना है। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस Redmi Go में कंट्रोल सेंटर चेंज कैसे करें तो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो बताने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्ले स्टोर ऐप से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आपका लिंक भी डाल दूंगा। चलिए मैं दिखाता हूँ ऐप कैसा है और आप उसके स्टेप कैसे फॉलो करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं यही वो ऐप है जिससे कंट्रोल सेंटर 4K क्वालिटी में एडिट हो जाएगा। तो चलिए एप्लीकेशन को खोलते हैं। एप्लीकेशन खुल रहा है, तो फाइनली गाइस हमारा एप्लीकेशन खुल चुका है। सेटिंग आपको क्या करना है, एक्सेसिबिलिटी को ऑन कर दीजिए एक बार, आपको एक बार ऑन करना है इसको, एक सेकंड रुकिए। तो जैसे आप ऑन पर क्लिक करेगा आपको सेटिंग में आएगा, जो स्टेप मैं बताऊंगा गाइस उसको फॉलो कर लेना है आपको। उसके बाद से देखिए हो गया, ऑन हो गया। उसके बाद से आपको बैक आ जाना है। जाने के बाद आपको देख सकते हैं आपके 4K क्वालिटी में पूरे जैसे मैं बोला था हो गया है आपके फ़ोन में भी कर।